हाँ तो मेरे प्यारे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT क्लास 9th मैथ का अध्याय एक, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत ये जो हमारे पास प्रश्नावली 1.3 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला है, बोले तो एक ही वीडियो में इस प्रश्नावली के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी का हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को समाप्त कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च करना, कहां सर जी, तो गूगल में सर्च करना पंकज स्टडी, STUDY स्टडी सेंटर, है ना, क्या सर्च करना, CENTRE center.com, है ना। तो गूगल में आपको सर्च करना है पंकज स्टडी सेंटर.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आइए शुरू करते हैं, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में यहां पे हेडिंग लाइन दे रखा है, कहता है प्रश्न की निम्नलिखित भिन्नों को, निम्नलिखित भिन्न ये जितने भी है भिन्न, PYQ के रूप में रहता है वो सब भिन्न, मतलब ऊपर अंश है नीचे हर है, तो अंश वटा और हर के रूप में रहता है जो भी चीज उसको भिन्न बोलते हैं। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी दशमलव प्रसार किस प्रकार, शांत है या अशांत है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब शांत है तो शांत लिखना, या शांत आवर्ती है यानी कोई रिपीट कर रहा है तो उसको शांत आवर्ती लिखना, है ना, अशांत है तो अशांत लिखना, ठीक है, ये चीज आपने क्लियर किया। तो आइए भाई हम कैसे पता करेंगे, तो हमको देना पड़ेगा इसमें भाग, जितने भी प्रश्न है सबको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तो भाग सबको आना चाहिए। ये पहला प्रश्न है 36/100, तो आपको देना है 100 से 36 में भाग, तो ये तो बड़ा सिंपल है। आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं कि 100 से आप दे दो 36 में भाग, तो हम 36 में भाग दे देंगे, तो 100 से 36 में तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए आप क्या करना, दशमलव बैठाना और दशमलव के बदले यहां पे जीरो रख देना, तो 100 TI लगेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 होगा। अब दशमलव है, एक जीरो यहां रख सकते, 600 हो गया, तो 100 छक्का हमारे पास कितना, 600 हो जाएगा, है कि नहीं, घटाएंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, तो 0.36 हुआ, कितना आया, 0.36, मतलब इसको भाग दिए तो 0.36 हुआ। दशमलव से पहले अपने मन से एक जीरो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.36 हुआ, ये पूर्ण रूप से समझो कि कट गया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, पूर्ण रूप से कट गया है तो इसका दशमलव प्रसार, है ना, दशमलव प्रसार कैसा होगा सर, दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, क्या लिखेंगे, शांत है, ये आपने क्लियर किया, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इसको इतना तरीके से हम भाग दिए, इसको हम ट्रिक बताते हैं, तरीका, कि अगर किसी भी संख्या में अगर आपको भाग देना है 100 से, 1000 से, 10000 से, ऐसे, मतलब एक पर अगर जीरो है और उन संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो इसका तरीका यह है कि जैसे कि आपको 36 में भाग देना है 100 से, तो आप क्या करना, देखना एक पर कितने जीरो है, दो गो जीरो है, तो दो गो जीरो है ना, तो इधर से गिनती करेंगे, दो गो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर से गिनती कर, एक दो, और दो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा 0.36, जीरो आप रख सकते हैं अपने मन से। अब मान लो कि आपको 36 में देना है 1000 से भाग, तो आप कैसे दोगे, तो 1000 से अगर भाग देना है तो इसका तरीका यह है कि इसमें कितने शून्य है, तीन गो शून्य है, तो आप क्या करना, तीन अंक के बाद दशमलव बैठाना, तो गिनती करो, यहाँ पे 36 है ना, पहले लिख दो, ये मैंने लिखा, गिनती करो, तीन अंक के बाद दशमलव बैठाना, एक दो हुआ, तीन अंक तो है नहीं, तो अपना मन से जीरो रखेंगे, ये तीसरा अंक हुआ और दशमलव बैठा दो, तो 0.036 हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत, तो आपने देख लिया ऐसे भाग देना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है सर, दूसरा, ये 1/11 कह रहा है
मतलब 11 से 1 में आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद बताना है कि ये शांत है या शांत आवर्ती है या अशांत है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करना सर, 11 से इसमें भाग दे देना 1 से। तो चलिए हम भाग देते हैं, जब आप भाग देंगे तो 11 से 1 में तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो इसके लिए आप दशमलव बैठाओ, तो हम दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे जीरो रखो। अब 11 से हम 10 में तो भाग नहीं दे सकते, अब और चाहिए। अब देखो याद रखना कि दशमलव के बदले जीरो तो बैठता है, हमने बैठा दिया लेकिन भाग नहीं लगा। अब इसके बाद और भी संख्या अगर हमें बैठाना है तो इसके बाद जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी जीरो यहाँ पे पड़ना चाहिए। अब एक और संख्या बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो पड़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो देखो भाग में लड़का सब फंस जाता है, ये सब आना चाहिए। अब देखो 11 से हम भाग देंगे तो 11 नवा 99, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 99 घटा देंगे तो 1। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बदले यहाँ पे जीरो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रख दिया। अब 11 से 10 में तो भाग लगेगा नहीं, अब इसको चाहिए एक और जीरो, तो एक और जीरो यानी एक और संख्या चाहिए, तो इसके बाद अब जो भी जय को संख्या बैठेगा तय को जीरो इधर पड़ जाएगा, तब जीरो रख दिए, यहाँ पे जीरो रख दो, 11 नमा 99 हो गया, तो हम 99 कर देंगे और घटा देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 0909 ये आता रहेगा, आप देख लो भाग दे करके, फिर से भाग दोगे तो 0909 ये आता ही रहेगा, मतलब 0909 रिपीट हो रहा है। 0909 क्या हो रहा है, इसको हम भाग दिए तो क्या आया कि दशमलव, दशमलव से पहले जीरो रख सकते कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से पहले जीरो रख दिए, दशमलव 0909 ये आता रहेगा, क्या रहेगा, ये आता रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे शब्द में कि 0909 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितना जो भी संख्या रिपीट होता है उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं सर, उस पर हम बार लगा देते हैं। 0909 रिपीट हो रहा था तो 09 पे हमने क्या किया, बार लगा दिया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार मेरे भाई याद रखना, दशमलव प्रसार जो होगा ना इसका शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, रिपीट हो रहा है ना, याद रखना, दशमलव प्रसार कैसा होगा मेरे भाई, शांत होगा, शांत एवं क्या होगा, आवर्ती होगा, आवर्ती, आवर्ती का मतलब यह हुआ कि रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, शांत एवं पुनरावृत्ति भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इस बात को समझना। देखो आपके बुक में आप कहोगे सर हमारे बुक में तो अनवसानी दिया गया है, बिल्कुल लिख सकते हैं अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति ऐसे दिया गया, अनवसानी एवं पुनरावृत्ति ऐसे, या फिर दूसरे शब्द में शांत एवं आवर्ती ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो रहा है, पुनः रिपीट हो रहा है, इसलिए पुनरावृत्ति कहते हैं, जैसे 0909 रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो आपने इस प्रश्न में क्या सीखा, आपने इस प्रश्न में यह सीखा कि किसी भी संख्या में, किसी संख्या से हम भाग देते हैं, अगर कोई रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और जिसके ऊपर बार लग जाता है वो समझ जाना कि शांत होगा एवं पुनरावृत्ति होगा, मतलब आवर्ती होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया, आगे बढ़ते हैं सर। अब यह तीसरा प्रश्न है, 4.18, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 1 33, 33/8 निकल करके आएगा। अब 8 से हम क्या करेंगे सर, 33 में भाग दे देंगे, तो आप भाग देंगे तो क्या होगा, है ना, भाग देंगे तो क्या होगा, 8 से 33 में भाग देते हैं तो हमारे पास 8 चौक 32, भाग दिए तो 1 आया। अब 8 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो इसके लिए दशमलव रखेंगे, दशमलव रखे तो दशमलव के बदले यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। अब 8 से 10 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, अब घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव पड़ा हुआ जीरो आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 दुना 16 कर देंगे, तो 8 दुना हमने 16 कर दिया, है ना, 20 में से 16 गया तो 4 बचेगा, दशमलव रखा है तो यहाँ पे 0, 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास 0, मतलब पूर्ण रूप से कट गया। तो इसको जब हम भाग दिए तो कितना आया, 4.125 ये हमारे पास आया, 4.125। अब जब ये आया तो आपने देखा ये पूर्ण रूप से कट चुका है, पूर्ण रूप से ये कट चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, दशमलव, दशमलव प्रसार जो होगा ना, प्रसार वो क्या होगा मेरे भाई, तो ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत होगा, पूर्ण रूप से कट जाए तो शांत,
पूर्ण रूप से नहीं कटे और रिपीट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, शांत अशांत आवृत्ति हो गया। आप पूर्ण रूप से कटवे नहीं करा ना रिपीट हो रहा है तो उस अशांत में चला जाता है, ठीक है। यह आपने देख लिया दशमलव प्रसार शांत है। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा प्रश्न है, 3/13 है, तो हम क्या करेंगे सर, 3 में भाग दे देंगे 13 से, तो 13 से भाग दिए, 13 से 3 में तो लगेगा नहीं भाग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बदले 10 रख दो, ये मैंने रख दिया। अब भाग दो, 13 × 26, तो 13 × 26 घटा देंगे तो 4, ये हमारे पास 4 आ गया। अब दशमलव है तो दशमलव के बदले यहाँ पे 10 पड़ेगा, है ना, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 40 में, तो 13 × 39 तो घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बदले 0 हम रखेंगे। अब दशमलव के बदले 0 रखे, अब तो भाग नहीं लग रहा है, 13 से 10 में तो भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए एक और संख्या उतारेंगे। अब दशमलव के बदले तो एक संख्या उतार चुके हैं, अब इसके बाद जितनी भी संख्या उतारेंगे उतनी 0 इस साइड रखेंगे भागफल में। अरे ससुरा, दिमाग खराब कर दिया, कोई बात नहीं है, लाइट कट गया तो डिजिटल बोर्ड का लाइट चला गया है, आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, आप लोग क्या करना, थोड़ा सा बढ़ा लेना, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, हद है यार, बेशर्मी की तो हद होती है, कभी कभी ये दे देता है डिजिटल बोर्ड धोखा, ये बंद हो जाता है बिजली कटने पर, है ना। ये मेरे साथ 1 साल के बाद ऐसा कांड हुआ है, आर्यन सर के साथ हमेशा होता रहता है, हद है यार, कोई बात नहीं, आप लोग बढ़ा लेना, तब तक नाच गाना करो और एंजॉय करो, है ना। नाच गाना कैसे करोगे इतना देर में, ये खुलेगा या नो सिग्नल लिख रहा है, काहे रे, हो तोहसे दिलवा लगल बात आगे बढ़ल, हो गई नी दीवाना तोरा प्यार में। आगे ले लाइट देखी, ए तेरी के कटता है आता रहता है, दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में, जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार तुझे ना, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार तुझे तेरा प्यार मिले। हे हा ना यार, एक तो बिजली ने धोखा दिया, ऊपर से तू धोखा दे रहा है, हद है, बेशर्मी की तो हद होती है। आ गया आ गया आ गया, अरे भाई ओपन कर पीडीएफ, यहाँ पे तू लोग भी देख लो, 9th PPT, ये तीसरा, चल ओपन हो। हम क्या समझा रहे थे और क्या नहीं समझा रहे थे इसका पता कैसे लगेगा। तो मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया, 1/11 भी हो गया, और ये भी हो गया शायद 13/, हाँ यही था, ये 3/13 था, चौथा प्रश्न समझा रहे थे ना। तो देखो 3 में हम भाग दे रहे थे कितना से, तो 13 से सर, तो दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बदले यहाँ पे 0, 13 × 26 हो जाएगा, 13 × 26 लग गया, घटा देंगे तो 4, दशमलव है दशमलव के बदले 0, 13 × 39 तो 39 घटा देंगे तो हमारे पास 1, दशमलव है दशमलव के बदले 10, भाग तो लगेगा नहीं, तो इसके बाद जो भी संख्या उतारेंगे उतनी 0 यहाँ पड़ेगा, इसके बाद एक संख्या उतारो 0, इसके बदले यहाँ 0 रख दो। अब यहाँ पे भाग दो, 13 × 91 है ना, 13 × 91 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, तो ये 9 हो जाएगा, दशमलव पड़ा हुआ 0 रख दो, 90, 13 × 91 है ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, 13 × 6 लगाएंगे, 13 × 6 = 78 है ना, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 10 में से 8 गया तो 2, ई बच गया हमारे पास 8 × 8 = 1 हो गया, ये 12 हो गया, दशमलव लगा है 0 रख लो, 120 हुआ है ना,
तेरह अठे 36 से ज्यादा होगा है ना, 13 सत 91 सॉरी 13 अठे 104 होता है, 13 नमा 117, 13 नमा लग जाएगा, 13 नमा 117 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 3 आएगा, 120 में से 117 घटाएंगे तो 3, दशमलव लगा है उसके बदले 0, मतलब देखो 3 यहाँ पे 30 से स्टार्ट हो रहा है ना, 30 से स्टार्ट किया फिर 30 पर आ गया, मतलब ये सब बार बार रिपीट अब होंगे, मतलब ये सारे के सारे रिपीट होंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दशमलव से पहले 0 लिख सकते हैं, 0.23076 9 ये सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है रिपीट, तो जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, हमने बार लगा दिया। अब जब हम बार लगा दिए तो आपको पता होना चाहिए ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव रूप या प्रसार कह लो, तो दशमलव निरूपण जो होगा ना यानी प्रसार जो होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा सर, तो शांत होगा एवं पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति कहने का मतलब आवर्ति कह लो, शांत एवं आवर्ती होगा, क्या होगा आवर्ति है ना ये, या अनवसानी एवं पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, चौथा आपने सॉल्व कर लिया, पांचवा 2/11 है, मतलब आपको 2 में क्या करना है 11 से भाग देना है, 11 से 2 में भाग लगेगा नहीं तो इसके लिए दशमलव बैठाओ, दशमलव के बदले 0, अब क्या करेंगे 11 एकम 11 घटा देंगे तो 9 होगा, दशमलव लगा 0, 11 अठे 88 है ना, घटा देंगे तो हमारे पास 2 होगा, दशमलव लगा इसके बदले 0, तो 11 ठीक है ना, हाँ ठीक है 11 एकम 11 हो जाएगा, अब घटाएंगे तो हमारे पास 9, दशमलव लगाया तो 0, तो 11 अठे 88 क्या होगा 11 अठे 88 घटा देंगे तो हमारे पास 2, कहने का मतलब फिर 2 फिर दशमलव लगाया तो 0, तो 20 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार और भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 11 अठे 88 रख दिए हमने कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने क्या देखा 1 8 1 8 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 बार बार रिपीट होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं कि 0 दशमलव, दशमलव से पहले 0 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 0.18 18 रिपीट हो रहा है, तो 1 8 पर हम क्या लगा देंगे बार, बार लगाने का मतलब जितनी संख्या पे बार लगा रहता है समझ जाना कि उतनी संख्या वो रिपीट हो रही है, तो हमारे पास ये आया तो 1 8, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत या अनवसानी लिख सकते हैं, शांत एवं आवर्ती होगा, आवर्ती ठीक है, ठीक है, या फिर अनवसानी लिख सकते हैं, अनवसानी, अनवसानी एवं पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती लिख दो, पुनरावर्ती ठीक है, तो ये हम लिख दिए, ऐसा आपके बुक में आंसर दिया होगा है कि नहीं, तो ये आपने देख लिया। चलिए पांचवा हो गया, अब हम क्या करते हैं सर, ये हमारे पास है चौथा, नहीं चौथा नहीं है छठा है, 400 से भाग देना 339 में, अब ये भाग हम कैसे देंगे सर 400 से 339 में, तो इसको भाग देने का तरीका ये है कि 400 से मत दो, आप क्या करो ये 329 है, 39 पड़ रहा है इसके लिए सॉरी है ना, अब देखो 400 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 4 गुने में 100, आप बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुने 100, आपने लिख दिया, अब आप क्या करो 4 से 339 में भाग दे दो, तो हम क्या करते हैं सर 4 से भाग देते हैं 339 ने 329, ये बार बार 39 पढ़ रहा हूं, ये 29 39 का क्या लोचा है सर, आए देखो 4 8 32 अभी कट गया मतलब 0 आया, 9 उतरेगा, 4 2 8 घटा देंगे सर तो 1 आएगा, दशमलव लगाओ इसके बदले 0, अब देखो 4 2 8 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, घटा देंगे तो वही बात 2 होगा, दशमलव लगा 0, 4 5 20 हो जाएगा, 20 घटा देंगे तो हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास 82.25 आया, मतलब 4 से भाग दिए 329 में तो कितना हुआ सर 82.25 हुआ, अब बट्टा में ये 100 बाकी है तो 100 रख देंगे, अब देखो 100 से भाग देना है तो एक पर कितने 0 2 0 है, हमने तरीका बताया क्या,
इस साइड से गिनती करना और दो अंक के बाद दशमलव पटक देना। तो भाई यहां तक तो पहले से दशमलव है, तो इसके बाद से गिनती करेंगे, एक दो यहां से गिनती करेंगे तो यहां पे दशमलव 8225 आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव 8225 ये आ जाएगा। इसके आगे जीरो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो 0.8225 ये हमारे पास आंसर आया। तो ये पूर्ण रूप से कट चुका है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा सर, तो शांत होगा या अनवसानी लिख सकते हैं, शांत शांत सीधा सीधा लिख दो शांत, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं सर, दूसरा प्रश्न ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 यानी एक में अगर 7 से भाग देते हैं तो 0.14285 है ना, और 1/4 2/8 5/7 का ये रिपीट होता रहता है जब हम भाग देते हैं, तो ऐसा है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब आपको लंबा भाग जो दे रहे हैं तो भाग विधि, वो लंबा भाग दिए बिना है ना, दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, संकेत में है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि 1/7 का मान ये हमको दे रखा है, अब हमको निकालना है 2/7 का मान, 3/7 का मान, ये सब। तो आइए इसको हम हल करते हैं। आप किसका मान निकाल रहे हैं सर, 2/7 का मान निकाल रहे हैं, तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं कि 1 × 2/7 आप लिख सकते हैं, या फिर इसे ऐसे लिखो कि हमें 1/7 की वैल्यू देनी है, तो 2/7 को ऐसे लिख लो कि 1/7 × 2, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/7 ही आ जाएगा, तो 2/7 को इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/7 है तो 1/7 की वैल्यू ये हमको दे रखी है, तो 1/7 की वैल्यू लिखते हैं 0.14285 ये मैंने लिख दिया, और रेकरिंग लगा है तो रेकरिंग लगा दो, और गुने में हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 लगा दो, ये मैंने कर दिया। अब इन सभी को क्या करेंगे सर, गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेते हैं, चलिए 7 × 14 = 4 हासिल हो गया 1, ठीक है, 5 × 10 = 11 हासिल हो गया 1, 8 × 16 = 17 हासिल हो गया 1, 2 × 4 = 5, 4 × 8 हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये दशमलव, ये 0, और इस सब पर रेकरिंग लगा है, ये हमारे पास आंसर हो गए, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए अब हम क्या करते हैं सर, अब फिर से हल करते हैं किसका, तो अब हल करते हैं भाई 3/7 का, तो चलो हम क्या करते हैं 3/7 का हल करते हैं, तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 × 3 लिख सकते हैं आसानी से। अब यहां से देख लो मेरे भाई, 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.14 है ना, 1/4 2/8 5, 1/4 2/8 5/7, और इसके ऊपर बार लगा, तो 1/7 की वैल्यू रख दी, अब गुने में 3 है तो 3 ये मैंने रख दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम इस सबको गुना कर देंगे, तो चलो गुना करते हैं, 7 × 21 की 1 है ना, हासिल 2 हो गया, 5 × 15 = 17 है ना, 5 × 15 = 17 = 7 हासिल हो गया हमारे पास, सॉरी 7 × 21 हासिल 2, 5 × 15 = 17 = 7 हासिल 1, 8 × 3 = 24 आए, 25 × 5 हासिल 2, 3 × 6 = 2 8 हो जाएगा, 4 × 12 = 2 हासिल 1, 3 × 3 = 3 3 × 1 = 4 ये हमारे पास है, दशमलव 0 रख सकते हैं, तो 0.42857 इसके ऊपर रेकरिंग है ना, तो ये हमारे पास सर आंसर आ गया। अब क्या कर सकते हैं सर, हमने ये दूसरा तक सॉल्व कर लिया, अब 4/7 को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं सर, यहां से हम क्या करेंगे 4/7 को लिखेंगे, तो लिखो मेरे भाई हल, और निकालेंगे 4/7, इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7, वही बात है, तो 4 है तो 4 आगे पीछे कर सकते हैं, 4 को उधर इधर कर सकते हैं, 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू देख सकते हैं 0.14 1/4 2/8 5 2/8 5/7 0.14 2/8 5/7, अब यहां पे हम लगा देंगे बार। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, तो
गुना कर देते हैं चार से इन सभी में, तो चलो चार से गुना करेंगे तो सात चौक 28, ये हुआ हमारे पास सात चौक 28 के 8 हासिल हो गया 2, पाँच चौका 20 और 2 22 के 2 हासिल हो गया 2, आठ चौक 32 और 2 34 के 4 हासिल हो गया 3, चार दूना आठ और तीन 11, तीन है ना था, मिस्टेक कर दिया मैं क्या, देखो सात चौक 28 के 8 हासिल 2, चार पंचे 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल हो गया 2, आठ चौक 32, 32 और 2 34 के 4 हासिल 3 हो गया। अब यहाँ से चार दूना आठ तीन ग्यारह के 1 हासिल 1 हो गया, चार चौके 16, 16 एक 17 के 7 हासिल हो गया 1, चार एकम 4 एक 5.0। तो ये हमारे पास आया आंसर है ना, तो ये आ गया हमारे पास। आपने देखा कि 1 बटा यहाँ पे किसका निकाल लिया, तो 7 4 बटा 7 का, अब 5 बटा 7 का निकालेंगे, तो 5 बटा 7 हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 बटा 7 को कि 5 गुने में 1 बटा में 7 लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे, 5 गुने 1 बटा 7 है तो 1 बटा 7 की वैल्यू ये है, हम लिख देंगे 0.142857, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.142857 ये आया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, कि 5 से गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है ना, तो गुना करते हैं, 7×5 35 के हो गया 5, 7×5 35 के हो गया 5, ठीक है, 7×5 35 के 5 हासिल गया 3, 5×5 25 और 3 28 के 8 हासिल हो गया 2, 8×5 40 और 2 42 के 2 हासिल गया कितना 4, 5×5 10 और 4×14 के 4 हासिल गया 1, 5×20 है ना, 5×20 20 आए के 21 के 1 हासिल गया कितना 2, 5×5 5×2 7 है ना, 5×5 5×2 7 ये लिया दशमलव और यहाँ पे 0, ये सब पर रिकरिंग हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। देख लेना, गुना वगैरह गलती नहीं होना चाहिए, मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, 5×7 का भी निकाल लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6×7 को निकालेंगे तो कितना होगा सर, इसको लिख सकते हैं 6×1/7, तो अब यहाँ से क्या करो, 6×1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा है, इसका आंसर हमें बताना, या फिर मैं बना ही देता हूँ सर, बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। लो क्या होगा, जब गुना करेंगे तो 7×42 के 2 हासिल गया 4, ठीक है, 6×5 30 4×34 के 4 हासिल गया 3, ठीक है, अब 8×6 48 48 और 3 51 के 1 हासिल गया 5, ठीक है, 6×12 5×17 के 7 हासिल गया 1 है ना, 6×12 12×5 17 के 7 हासिल गया 1, अब 6×4 24 24×1 25 के 5 हासिल गया 2, 6×6 2 8.0, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया, कहने का मतलब दूसरा का पूरा प्रश्न जो है आपने बेहतर से समझ लिया, कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना, दिक्कत, ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। लो अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो आइए हम क्या करते हैं सर, ये पहला प्रश्न देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन हम ट्रिक पर नहीं देखेंगे, इसको लॉन्ग विधि से देखेंगे जिस तरीके से एग्जाम में हमको देना होता है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि 0.6 के ऊपर बार लगा है क्या होगा, तो उस समय ट्रिक का अप्लाई करके हम आंसर मार सकते हैं। चलिए हम इसको पहले डिटेल में समझते हैं, कैसे समझेंगे सर, समझने का तरीका यह है कि पहले हल लिखो, मैंने हल लिख दिया, अब लिखेंगे कि माना इसको y बराबर या x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, कि माना y बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा है,
तो हम इसलिए लिख सकते कि y बराबर 0.6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या पे बार लगा रहता है वो संख्या बार बार रिपीट होता है, मतलब 6 6 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपने देखा। इसको मान लेंगे हम समीकरण एक, तो हमने समीकरण एक मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये समीकरण एक माना तो याद रखना कि बार जितनी संख्या पे लगा रहता है हम क्या करते हैं, एक पर उतना ही जीरो रख करके गुना करते हैं। जैसे कि बार यहाँ पे एक संख्या पे लगा हुआ है तो एक पर एक वो जीरो रख करके समीकरण एक में गुना कर देंगे। अगर बार दो संख्या पे लगा रहता तो एक पर डबल जीरो रख करके समीकरण एक में गुना कर देते। यदि बार तीन संख्या तीन अंक पर लगा रहता तो एक पर तीन को जीरो रख करके समीकरण एक में गुना कर देते। तो अभी हम देख रहे हैं कि बार यहाँ पे एक अंक पर लगा है तो समीकरण एक में हम एक पर जीरो रख करके मतलब 10 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, करने पर, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां पे क्या होगा सर, ये y में 10 से गुना करेंगे तो 10y और बराबर में ये क्या हो जाएगा 0.6666 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 6.666... ये होगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। आप कहोगे कैसे, तो आप गुना कर लो सर, आपको 0.66 मतलब डॉट आगे तक जाएगा, अगर इसमें आपको 10 से गुना करना रहेगा तो कितना होगा, है ना। आप देख सकते हो 6 6 रिपीट, आप यहां पे देख सकते हो कि चार अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चार अंक भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉट 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 आप इसमें 10 से गुना कर लो सर, अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्ट हम गुणा करते हैं, देखिए 10 6 60, 60 के जीरो हासिल गया कितना 6, ठीक है। फिर 10 6 60, 60 6 66 के 6 हासिल गया कितना 6, फिर 10 6 60, 60 6 66 के कितना हुआ 6 हासिल गया 6, फिर 10 6 60, 60 6 66 के 6 हासिल गया हमारे पास कितना 6। अब 10 में 0 से गुना करेंगे तो कितना 0, और 0 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, बीच में दशमलव था तो दशमलव, तो आप देख सकते हैं 6.660, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, ये डॉट डॉट आगे तक बढ़ रहा था, आगे तक बढ़ा देंगे तो इतना आएगा 6.6 ऐसे कुछ करके, है ना। तो वही मैंने लिख दिया 6.66... हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास समीकरण दो हो गया, तो हमने लिख दिया समीकरण दो। अब क्या करना है कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देना है, तो आइए घटा देते हैं। समीकरण समीकरण दो में से समीकरण किसका, तो समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, घटाने पर, ऐसा आपको लिखना है सर। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर ये मैंने लिखा। अब इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, तो दो हमारे पास है 10y अब बराबर है 6.666... आप चाहो तो 4 6 रख सकते हो, जितना 6 उतना रख सकते हो, क्योंकि डॉट डॉट लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मन है उतना बढ़ा सकते हो, है ना। अब इसमें से घटा देंगे समीकरण एक को, यानी y को, तो y बराबर दे रखा है 0.00, 4 को 6 है तो 1 को 6, 2 को 6, 3 को 6, आप चाहो तो 4 को 6, 5 को 6, 6 को 6, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, हम 3 को रखेंगे। आप कहोगे सर जी काहे 3 को रखें, हैं जितना था उतना काहे नहीं रखें, तो अरे मेरे भाई हम इसलिए रखें ताकि आपको घटाने में सुविधा हो, ऊपर 3 को 6 इसलिए नीचे हम 3 को 6 रखें। आप इसको भी बढ़ा सकते हो, ऊपर वाले को भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना होगा सर, 10 में से 10 गो वाई में से 1 गो वाई घटेगा तो 9 गो वाई बचेगा, अब बराबर में घटा दो, 3 गो 6 में से 3 गो 6 घटेगा तो मतलब 0 0 0 कर सकते हैं, 6 में से 0 घटेगा मतलब ये दशमलव और ये 6 रहेगा, 6 में से 0 घटा था 6, तो 6 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 9y बराबर 6 होगा, क्या होगा हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास कि 9y बराबर 6, इसलिए हम कह सकते हैं कि y बराबर 6/9। अब यहां पे हम काटेंगे 2 3 6 तो 3 3 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो ये हमारे पास रह गया सर आंसर, क्या आ गया आंसर। अब देखो कहता था कि निम्न को पी वाई क्यू के रूप में बदलो, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है,
बट्टा के रूप में है, हमने बदल दिया। और q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए q के स्थान पे तीन है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, आपने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से मेरे भाई दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले माना x या y कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर 0.4 और 7, और 7 के ऊपर बार लगा है, हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे जब ये बार लगा दिया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि y बराबर 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 बार बार आता रहेगा, डॉट 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 लगा दो, हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसको मान लेंगे समीकरण, समीकरण एक है ना, समीकरण एक हमने मान लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, ये आ गया y बराबर 0.477 डॉट डॉट, अब यहां से क्या करो, समीकरण एक हुआ, हमने क्या बोला कि रेकरिंग जितने अंक पर लगा रहेगा, रेकरिंग जितने अंक पर लगा रहेगा हम क्या करते हैं, उतने क्या, रेकरिंग जितने अंक पर लगा रहता है उतने, मतलब एक पर उतने जीरो रख करके हम गुना कर देते हैं, तो एक अंक पर लगा है मतलब एक पर एक जीरो रख करके गुना कर देंगे, मतलब 10 से गुना कर देंगे, तो हम यहां पे लिखते हैं समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, तो आइए लिखते हैं गुना करने पर, ये मैंने लिख दिया है ना, तो अब हम गुना करने पर लिख देंगे, समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, तो आइए हम गुना करने पर लिख देते, y में 10 से गुना करेंगे तो 10y होगा, और बराबर में अगर हम इसमें 0.477 में गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, देखो इधर से गिनती करते हैं, अगर 100 से गुना करेंगे तो इसके बाद दशमलव के बाद गिनती करेंगे, एक दो, 100 पर दो गो जीरो, तो दो गो अंक के बाद दशमलव पटकेंगे, एक गो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव पटकेंगे, मतलब ये आ जाएगा 4.777 है ना, 7 ऐसे डॉट 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 लिख सकते हो, इसको बना देंगे समीकरण, समीकरण क्या, तो दो, हमने समीकरण दो बना दिया। अब समीकरण दो में से समीकरण एक को हम घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो आइए घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, घटाने पर, तो आइए घटा देते हैं, तो भाई समीकरण दो में से दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास है 10y बराबर में 4.7777 है ना, ये हमारे पास है। अब इसमें से समीकरण एक को घटा देंगे, तो समीकरण एक हमारे पास ये है, ए सॉरी यार, सॉरी यार, है ना, समीकरण एक क्या है, y, तो y बराबर कितना है, 0.4 उसके बाद 7, 7, 7, आप कहोगे इसमें 4 को 7 है, 4 को 7 काहे नहीं लिख रहे हैं सर, हम नहीं लिखेंगे, तू कथी कर लेगा, हम नहीं लिखेंगे तू क्या कर लेगा, अरे भाई यहाँ अपने हिसाब से सेट कर, 4 को 7 क्या, वो तो 5, 6, 7 या अनंत 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट लगा है, तो हम तीनों पर ही लटका दिए ताकि घटाने में सहूलियत हो, ठीक है। अब घटा देंगे, अब देखो 10 गो वाई में से गो वाई तो 9 गो वाई होगा, अब बराबर में हम क्या करते हैं भाई, बराबर में हम क्या करते हैं, देखो 7 में 7 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3 है ना, दशमलव लगा है, 4 में से 0 गया तो 4, मतलब 4.300, तो मेरे भाई दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आया है, हमारे पास जो आया है वो 9y बराबर कितना 4.3 आया है, अब दशमलव के बाद ये 0 का वैल्यू नहीं है तो 4.3 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई बराबर 4.3/9, अब दशमलव उड़े तो उसके बदले में 0 बैठे है ना, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 43/90, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है ना। अब क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, तीसरा आपने समझ लिया,
सॉरी सॉरी, बाप रे बाप, उस पे मार रहे थे आज, गड़बड़ हो जाता। तीसरा आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं सर। नौमा, नौमा का कहता है, नौमा का दूसरा समझे ना, ये दूसरा समझे, अब तीसरा समझेंगे। ये रहा तीसरा, हम सबसे पहले लिखेंगे तीसरा का पहले हल। मैंने लिखा हल, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मैंने हल लिखा। अब लिखेंगे माना, चलो x बराबर मान लेते हैं, वायु बराबर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। माना x बराबर क्या मान लेते हैं, तो 0.001 और इसके ऊपर बार लगा है, बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। हो सर जी, है तनी पानी दीजिए ना, बड़ी कोस के प्यास लग गेल है, प्लीज पानी दे दीजिए। तो ये आपने देख लिया, तो x बराबर क्या होगा कि 0.01 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 0.01 के पर मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.001 फिर 0.01 फिर 0.01 बार बार ये रिपीट हो रहा है। क्या बोतल, बोतल में तो पानी नहीं है, है? लीजिए ना, यह हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है, आपने ये समझ लिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, समीकरण इसको एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण एक। अब देखो हम क्या करते हैं कि रेकरिंग जितने अंक पर होते हैं हम क्या करते हैं, एक पर उतनी ही जीरो रख करके समीकरण एक में गुना कर देते हैं। तो रेकरिंग तीन अंक पे है तो एक पर तीन को जीरो रख करके हम गुना कर देंगे, मतलब 1000 से समीकरण एक में गुना कर देंगे। तो आइए हम लिखते हैं समीकरण, समीकरण एक में 1000, 1000 से गुना करने पर, हमने लिखा गुना करने पर, गुना करने पर ये मैंने लिख दिया, तो गुना कर दो। अब 1000 में एक से गुना करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, हा हा हा, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाध अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो हम प्यासे थे, पानी पिला दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे भाई हम x में गुणा कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं बराबर में, अब मेरे भाई 1000 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव जितने अंक तक है उतने अंक के बाद कितने जीरो, तीन गो जीरो, तो तीन अंक गिनती करेंगे उसके बाद दशमलव पटक देंगे। तो यहां तक है तो 1 2 3 यहां पर दशमलव पटक देंगे, तो जीरो है तो जीरो लिखो, फिर 1 2 3 यहां, तो पहले ये दो गो जीरो उतार लो, 1 2 गो 0, तो तीन अंक के बाद ना 1 2 3 यानी एक के बाद दशमलव पटक दो, फिर 00, फिर 1, फिर 00, फिर 1 ... ये मैंने कर दिया, हमने गुना कर दिया, इसको मान लेंगे समीकरण दो, समीकरण दो। अब क्या करेंगे सर, समीकरण एक में से समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो लिखते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। तो हमारे पास समीकरण दो क्या है, 1000 एक्स, अब बराबर में, बराबर में क्या है सर, ई जीरो का वैल्यू है, ई जीरो का वैल्यू नहीं है, तीन गो जीरो का, इसका कहानी खत्म करो, तो 1.00100 एक आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम घटा देंगे इसको, एक्स है तो एक्स लिख दो, अब बराबर, देखो दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से इधर जीरो तो जीरो, इधर दो गो जीरो तो दो गो जीरो पटक दो, यहाँ एक है तो एक पटक दो, यहाँ 00 तो 00 पटक दो, फिर यहाँ पे एक है तो एक लिख दो, फिर 00 एक हम लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं। का है कि अगर लिखेंगे तो इधर उतना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डॉट डॉट मतलब रिपीट होता रहेगा, है ना। तो इतना ही पलटक दिए ताकि हमको घटाने में सहूलियत हो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, 1000x में से एक एक्स घटेगा तो 999x होगा, आप बराबर में इसमें से इसमें घटा दो। एक में से गया था जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, एक में से गया था जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, दशमलव एक में से जीरो गया तो एक। अब दशमलव वाली जितने भी जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 999x अब बराबर क्या हो जाएगा, एक। यही ना होगा, दशमलव बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर एक बट्टा में 999, यही हमारा आंसर आ गया। कोई बात नहीं ना, दिक्कत तो ये आपने सर समझ लिया। अब क्या करेंगे सर, अब हम नाच करेंगे, तू भी नाच करेगा क्या, हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, ये सब क्या हुआ, पलंग पे पानी आ गया, अब मेरा गमछा भी खुल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हे प्रभु आहा, कान सीज गेल रे बउआ सब। चलो आगे बढ़ते हैं, हाय देखिए चौथा प्रश्न, ई का कहता है चौथा प्रश्न में, जो कहता है, जो कहता है वो सही कहता है। यहाँ पे क्या कहता है, 0.9999 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो व्यक्त करना बड़ा आसान है, यहाँ तक समझो कि क्वेश्चन है, इसके बाद बकवास है, हमें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये कह रहा है आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब हम अध्यापक हैं, आपके क्लास में जो भी बच्चा सब है उस सब में डिस्कस चलेगा, तो क्या यह आश्चर्यचकित निकलेगा? आप कहोगे कैसे आश्चर्यचकित निकलेगा, आप कहोगे क्यों, कि हम देख रहे हैं सर 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक आता रहेगा, रिपीट मतलब जाता रहेगा ये 999, तो भाई नो नो ये अनंत तक आता रहेगा, इसलिए हम कह सकते कि अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन ये परिमेय संख्या आता है इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे, क्योंकि 0.999 बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 बार बार मतलब 9 पर रेकरिंग, और जिस संख्या पर रेकरिंग लग जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है मेरे भाई, परिमेय संख्या होता है, उसे पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां लिखेंगे हल, कि भाई क्वेश्चन हमारे पास है 0.999 क्या कहो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 डॉट 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 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 0.9 के ऊपर रेकरिंग, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर रेकरिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, तो रेकरिंग जिसके अंग जिस संख्या के ऊपर आता है वो परिमेय संख्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में बदला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में जितने भी रेकरिंग था सबको पी बाई क्यू के रूप में 1/999 ये सब पी बाई क्यू के रूप में बदला गया है। तो इस संख्या को आप लोग बदलना, हिंट हम दे देते हैं कि इसको मान लेना कि माना एक्स बराबर 0.9 इसके ऊपर बार, उसके बाद एक्स बार जितने भी अंक पर होगा उतना से, पहले ये हो गया, इसका अर्थ हुआ कि x बराबर 0.9999 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मान लेना समीकरण एक है कि नहीं, समीकरण एक मान लेना, ठीक है। उसके बाद 9 एक अंक पर है तो भाई 10 से इसमें समीकरण एक में गुणा कर देना, जो आएगा तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देना, आंसर आ जाएगा पी वाई क्यू के रूप में। या इसे शॉर्ट तरीका है कि 0.9 के ऊपर बार लगा है तो इसको सॉल्व करने के लिए पूरा संख्या हूबहु लिख दो 9, क्योंकि दशमलव से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैंने रख दिया 9। अब रेकरिंग जितने अंक पर उतने 9 नीचे लिखते हैं, ये सब तरीका देखो, 9 से 9 कट गया तो 1, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका एक आंसर आ गया, है ना। आप डिटेल में भी सॉल्व करोगे तो एक ही आएगा, और एक को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये बहुत सिंपल है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है आपको, हिंट से मैंने दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा आपने सॉल्व कर लिया, सर पांचवा क्या कहता है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बाप रे बाप,
देखिए आपको 17 से 1 में भाग देना है, तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा। और 17 से 1 में जब भाग देंगे तो देखना कि कहाँ तक संख्या जाता है और उसके बाद वो रिपीट होता है ना, ये देखना और वो आपको बता देना है, मतलब भाग देना है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भाग देना स्टार्ट करते हैं। सर 17 से आपको भाग देना है किस में, 1 से। तो आइए हम भाग देते हैं। देखिए 17 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, तो आप दशमलव बैठाइए, दशमलव के पहले 0 आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बदले यहाँ पे 0। अब ये तो भाग लगेगा नहीं 17 से 10 में, अब दशमलव के बदले 0 बैठा लिए, अरे रे ने। हाँ तो दशमलव के बदले आपने 0 बैठा लिया, लेकिन भाग नहीं लग रहा है। अब एक और संख्या पड़ेगा, तो इसके बाद जितनी भी संख्या पड़ती है उतनी 0 यहां पे हम लिख देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब 100 हो गया, तो अब 17 से आप इसमें भाग देंगे, तो 17 पचे 85 या 17 छक 73 से, तो वह ज्यादा हो जाएगा, यानी 17 छक 102 ज्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85 लगा दो, 85 घटाएंगे तो कितना होगा सर, तो 100 में से 85 जाएगा तो 15 होगा, दशमलव पर है 0 रख दो, तो 17 अठे 36 से या 17 नवा 53 से, 17 नवा 153 ज़्यादा हो जाता है, तो 17 अठे 36 से 136 लगा दो, घटा देंगे। अब 150 में से 136 घटाना है, तो इधर से 4 उधर से 10, 14 आएगा, दशमलव पर है 0 रख दो। अब 17 अठे 36 से होता है, तो 17 अठे 36 से मतलब 136 घटा देंगे तो कितना होगा सर, तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, दशमलव पर है 0 रख दो, 17 दूना 34, 17 दूना 34 घटा देंगे तो कितना होगा सर, घटा देंगे तो ये होगा 4 हो जाएगा, 17 दूना 34 तो हम कायला लिख दिए 36। आहिरौबा बाप रे बा, हाँ 17 दूना 34, तब मेरे भाई 36 में से 34 घटेगा तो 6, दशमलव पर है 0, 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 घटा देंगे तो 9, ये आया 9, तो हम क्या करेंगे 9 को यहाँ पे लिख देते, इस साइड अब करते हैं, तो 60 में से 51 गया तो 9। अब मेरे भाई देखो दशमलव पर है तो 0 रख दो। अब 17 पचे 85, 17 पचे 85 तो हमने लिख दिया 85, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमने 5 कर दिया, ठीक है। अब दशमलव पर है दशमलव के बदले 0, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूना 34 तो हमने रख दिया 34, घटाएंगे तो इधर से 6 उधर से 10, 16 निकलेगा, दशमलव पर है तो 0 रख दो, हमने रख दिया 160, 17 अठे 36 से 17 नवा 53 से, 17 नवा 53 से मतलब 153 घटा देंगे तो कितना होगा सर, तो ये घटा देंगे 160 में से 153 घटेगा तो 7 होगा, 7 हो गया, दशमलव पर है 0 रख दो, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हमने रख दिया, घटा देंगे तो 2 होगा, हमने 2 रख दिया, दशमलव पर है 0 रख दो, है ना, तो 20 आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, 17 एकम 17 ये आ गया, घटा देंगे तो कितना हो, 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 होगा, दशमलव पर है 0 रख दो। अब क्या कर देंगे, 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 घटा देंगे तो इधर से 3 निकला उधर से 10 निकला मतलब 13 घटाएंगे तो 13 आ गया, दशमलव पर है 0 रख दो, 17 अठे 36 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो 17 सते 19 से मतलब 119, कहीं मिस्टेक होगा ना तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा फिर, तो 130 में से मैंने यहाँ पे ठीक किया कि नहीं, 11 ही बार बार कहे हम लिख दिए हैं, कहीं ठीक है कि गया गड़बड़, 17 चौका 68 है, 17 एकम 17 है तो 3 फिर 17, हाँ ठीक है, 17 सते 19 से 119, तो 130 में से 119 घटाएंगे तो ये 1 निकाले उधर से 11 होगा, दशमलव पर है तो 0 110, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होगा, अब घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास, 110 में से 102 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब मेरे भाई कितना हो जाएगा, दशमलव है तो इसके बदले में 0 मतलब ये 80 हो जाएगा, है ना, 80 हो जाएगा, तो भाई हमको लगता है कहीं पे गलती कर दिए हैं, देखते हैं आगे।
80 हो गया ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, तो 80 17 चौका 68, देखते हैं भाई क्या होता है। ये दो निकालो तो 70 उधर से 10 तो 12 होगा, दशमलव पर हुआ है जीरो रख दो। अब 17 सते 19 से तो 119 आ गया रे भाई, है ना। तो ये आ गया एक, 120 में से 119 गया तो एक। अब देखो, अब दशमलव के बाद एगो जीरो, मतलब ये एक आ गया तो आप डबल जीरो रख सकते हैं, जीरो रख करके। तो मतलब इसके बाद क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ये एक आ गया ना, यहाँ पे 100 है ना, मतलब एक है, ये एक है ना, एक में ना भाग देना, फिर एक से 17 में भाग देंगे तो फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। मतलब इतनी सारी संख्या जो है वो रिपीट होने लगेगी, क्या होगी मेरे भाई, रिपीट होने लगेगी, है ना। फिर से क्या होगा, रिपीट होने लगेगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको देखो, गिनती करोगे तो 16 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये हमारे पास आंसर यही रिपीट होगा। तो हमने भाग दे दिया, संपन्न हुआ भाग। आगे बढ़ते हैं सर, 16वां प्रश्न क्या कहता है, पी बाई क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्या को अनेक उदाहरण लीजिए। कहता अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, यानी शांत निरूपण हो। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करने के लिए। यहां पे कहता है पी बाई क्यू का फॉर्मेट का आपको उदाहरण लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, उदाहरण लेना है, है ना। क्या लेना है, उदाहरण लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत होने का कंडीशन है कि यदि क्यू में, क्या यहां पे लिख देना हल, कि यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्यू यानी जैसे पी बाई क्यू होता तो ऊपर अंश होता है, ऊपर अंश और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो क्यू यानी हर यदि हर का अभाज्य, क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो तीन कंडीशन आता है। पहला कंडीशन यह होगा कि 2 के पावर m के रूप का, और दूसरा कंडीशन 5 के पावर n के रूप का, और तीसरा कंडीशन या तो 2 के पावर m या तो फिर 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ये कंडीशन होता है, ये तीनों, है ना। या तो 2 के घात होना चाहिए, या तो 5 के घात होना चाहिए, या फिर 2 और 5 के घात होना चाहिए, यानी दोनों का घात होना चाहिए। ये हमारे पास होता है। अब इस टाइप के कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे कि पहला उदाहरण हमने ले लिया कि 2/8। अब 8 का फैक्टर करोगे, 8 का फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से तो 2, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाओगे तो 2, मतलब 2 कितने बार, 3 बार आया, तो 2 के पावर 3, यानी घात के रूप में आया, मतलब 2 के घात होना चाहिए, तो 2 के घात आ गया, है ना, 2 के घात आ गया, यानी 2 के पावर m के रूप के आ गया, 2 के पावर m के रूप के आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये मैंने उदाहरण ले लिया, है ना। अब उसके बाद हम और उदाहरण ले सकते हैं दूसरा, कि चलो 3/25 ले लो, 25 को तोड़ोगे तो कितना से लगेगा, ये लग जाएगा 5 से तो 50 25, यानी 5 के पावर 2 होगा 2, है ना। तो 5 के घात के रूप के आ जाएगा ये, यानी 5 के घात 2, यानी 5 के पावर m के रूप का आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया, इसका मतलब ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा इसका। तो ये उदाहरण आप ले सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपके बुक में क्या होगा, आपके बुक में ये होगा कि Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का घात होगा, 2 का घात एवं 5 का घात और या फिर दोनों का घात, है ना, या फिर दोनों का घात, है ना, ये आप लिख सकते हो, या फिर या दोनों का घात होना चाहिए,
बस ये आपके आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो शब्दों में जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं, छठा हो गया। अब यहाँ पे सातवां क्या कहता है, ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, है ना, क्या अनवसानी अनावर्ती हो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अशांत अनावृत्ति मतलब वो रिपीट ना हो, तो रिपीट ना होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे आपको अपने मन से उदाहरण देना है, तो रिपीट ना हो तो देखो आप क्या करना, एक से स्टार्ट करना, तो आप क्या कर सकते हैं, जीरो दशमलव एक लिख सकते हैं, फिर जीरो लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, फिर डबल जीरो लिख सकते हैं, फिर एक, फिर ट्रिपल जीरो लिख सकते हैं एक, फिर फोरपल जीरो लिख सकते हैं, है ना, फिर एक, फिर फाइवपल जीरो लिख सकते हैं एक, ऐसे करके डॉट डॉट लगा सकते हैं। ये पहला उदाहरण। दूसरा लिख सकते हैं फिर जीरो दशमलव दो पर चल जाना, फिर दो, फिर जीरो, फिर दो लिख सकते हैं, फिर डबल जीरो लिख सकते हैं, फिर दो, फिर ट्रिपल जीरो लिख सकते हैं, फिर दो, फिर फोरपल जीरो लिख सकते हैं, है ना, फिर दो, ये ऐसे करके करते जा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ दूसरा। अब ये हमारे पास तीसरा हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, आप जीरो दशमलव फिर तीन लिख सकते हैं, जीरो फिर तीन, फिर डबल जीरो फिर तीन, फिर ट्रिपल जीरो फिर तीन, फिर फोरपल जीरो, है ना, फिर तीन, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप करते जा सकते हैं। तो ये मैंने उदाहरण ले लिया, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये अनावर्ती है, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास अपरिमेय संख्या होते हैं, है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत कभी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो आठवां प्रश्न, आठवां क्या कहता है, परिमेय संख्या पांच बट्टा सात और नौ बट्टा ग्यारह के बीच की तीन अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, पहले सात से पांच में भाग दे देना है, फिर ग्यारह से नौ में भाग देना है, और इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, तो निकाल लेना है। तो भाग सबको आना चाहिए मेरे भाई, है ना, भाग सबको आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सात में पहले हम पांच से भाग दे देते हैं, तो आइए भाग देते हैं। मतलब अगर पांच बटा सात है, इसके बीच हमें अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सात से पांच में भाग दो। अगर हम सात से भाग देंगे पांच में तो कितना होगा, पहले तो जीरो, फिर दशमलव, दशमलव के बदले एगो जीरो रख दो, सात सते उनचास, घटा देंगे तो एक, दशमलव लगा इसके बदले जीरो रखो, सात एकम सात, घटा देंगे तो तीन, दशमलव लगा दशमलव के बदले यहाँ पे जीरो रखो, तो सात चौक अट्ठाईस, अब घटा देंगे तो हमारे पास दो होगा, फिर दशमलव है, दशमलव के बदले जीरो रखो, तो सात दुना चौदह, घटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास छ हो जाएगा, दशमलव लगा तो जीरो, सात अठे छप्पन, घटा देंगे तो हमारे पास चार होगा, दशमलव लगा है जीरो रखो, तो हमने कर दिया। अब यहाँ से भाग देंगे तो मैंने सही कर रखा है कि नहीं, हाँ ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, सात छक बयालीस ज़्यादा होगा तो सात पचे पैंतीस, सात पचे पैंतीस, घटा देंगे चालीस में से पैंतीस गया तो पाँच, अब पुनः पाँच आ गया, सात से हम पाँच में भाग दिए थे, है ना, तो पाँच से फिर सात में भाग देंगे तो वही बात रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जब भाग दिया सात में पाँच से, तो सात मतलब जीरो दशमलव सात एक चार दो आठ पाँच, ये आया और इसके ऊपर बार लगा है, है ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे कि मेरे भाई 11 से 9 में भाग देंगे, तो 11 से 9 में भाग देते हैं, जीरो दशमलव, दशमलव के बदले जीरो रखो, 11 अठे अट्ठासी, और घटा देंगे तो दो, दशमलव लगा इसके बदले जीरो, फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, सॉरी, तो इसके लिए 11 एकम 11 और घटा देंगे तो 20 में से 11 आ जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 20 में से 11 आ जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9, तो दशमलव लगा जीरो, फिर 11 अठे अट्ठासी, है ना, फिर घटाएंगे तो दो, फिर दशमलव लगा जीरो, फिर 11 एकम 11, मतलब आठ एक रिपीट होता रहेगा। जब हम क्या 9 बट्टा 11 को सॉल्व किए हैं
तो 0.818 एक रिपीट आता रहा है। अब इसी के बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखनी है मेरे भाई, क्या करनी है, इसी के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या कैसे लिखोगे, अपरिमेय संख्या ऐसे लिखो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां से लिखने का तरीका यह है, अपरिमेय संख्या देखो इसके और इसके बीच का होना चाहिए, 71 और 0.81 के बीच का होना चाहिए। इसके बीच का तीन को लिखना है, तो पहला हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.71 है ना, 81 तक है, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 है, 1 के बाद 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके बुक में 5 से स्टार्ट करके आंसर दिया है, मैं यहाँ पे हम 1 है ना, तो 1 के बाद 2 होता है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 0.72, फिर 0 लिख सकते हैं, फिर 72 लिख सकते हैं, फिर 00 लिख सकते हैं, फिर 72 लिख सकते हैं, फिर 000 लिख सकते हैं, फिर 72 लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट भी कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा पहला, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, तब जा करके धत्तरी की काहे गिर गया रे, तब जाके वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। लेकिन आपके बुक में 72 से स्टार्ट नहीं है, 75 से स्टार्ट है आंसर, तो तू लोग 9th क्लास में है धिया पुता, कहेगा सर जी आंसर ना मिल रहा है। तो देखो 71 है ना, और 81 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब 0.71 और 0.81 के बीच का होना चाहिए। तो आप क्या करो, 75 से स्टार्ट है, 75 से स्टार्ट करो, 0.75, तो 0.75 71 और 81 के बीच का ना है, तो 75 फिर 0 फिर 75 फिर 00 फिर 75 फिर 000 फिर 75 है ना, ऐसे फिर 400 ऐसे भी कर सकते हो, जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हो डॉट 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 है ना। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण 0.76 ले सकते हो, 760 फिर 7600 फिर 7600 फिर 7640 है ना, फिर 76 ... आप कर सकते हो। फिर तीसरा उदाहरण क्या लिख सकते हो, 0.77 लिखो, 77 है ना, और फिर 0 फिर 7 क्या लिखेंगे, 7 फिर 00 यही ना, फिर 77 फिर 000 फिर 77 फिर 400 फिर 77 ... ये हमारे पास आ गए अपर यानी दो परिमेय संख्या के बीच तीन अपरिमेय संख्या, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं सर। ये नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई देखो √13 है, याद रखना कि हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, पूर्ण रूप से निकलेगा तो ठीक है परिमेय, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए ये अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। √25 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 होगा, यानी इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय है, क्या होगा परिमेय। इसको पी वाई क्यू के रूप में बदल सकते, दशमलव हटेगा तो दशमलव बदले एक, उसका जितनी संख्या उतनी जीरो, 1, 2, 3, 4 को संख्या तो 4 को 0 हम लिख देंगे, ये पी वाई क्यू के रूप में बदला, तो ये हमारे पास क्या हो गया परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है। ये हमारे पास 7.47847 मतलब ऐसा डॉट डॉट है, 47 है, फिर 84 है, फिर 78 है डॉट डॉट, मतलब इन संख्या में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे रिपीट तो नहीं हो रही है, रिपीट होता तो हम बार लगा देते और कह देते कि ये परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास क्या है मेरे भाई अपरिमेय संख्या है ना, ये देखो इसमें भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बढ़िया से यानी इस प्रश्नावली को बढ़िया से सॉल्व कर लिया है, भले ही टाइम लगा लेकिन रापची के स्टाइल में हमने समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।